वेलेंटिस यहाँ कैंसर को मात देने में पूर्णतः सक्षम रेजिडेंट टोमोथेरेपी मशीन से इलाज किया जाता है। टोमोथेरेपी कैंसर रोगियों के लिए किसी वरदान से कम नहीं। कैंसर मरीजों के लिए समर्पित उत्तरी भारत का एकमात्र हॉस्पिटल वेलेंटिस, मवाना रोड, मसूरी, मेरठ। नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट बाइट और मैं हूँ आपके साथ सिया। मिलावटी पेट्रोल व डीजल के खेल में अब भाजपा नेता शामिल हो गए हैं। जलापूर्ति विभाग ने किठोर के शाहजहांपुर में डीजल में पेट्रोल की कालाबाजारी की सूचना पर छापा मार कर वहां से बड़े पैमाने पर तेल व अन्य सामग्री बरामद की है। छापे की यह कार्यवाही बशीर खान व उसके बेटे फैजी खान की दुकान पर की गई। फैजी खान भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चे किठोर का मंडल अध्यक्ष है। क्षेत्र में बड़ी संख्या में बाप बेटे के राजनीतिक पोस्टर लगे हुए हैं। बताया जा रहा है कि सत्ताधारी पार्टी से जुड़ा होने का रोग गालिब करते हुए दोनों ही इस धंधे को अंजाम दे रहे हैं। दरअसल मिलावटी तेल व डीजल का खेल मेरठ में नया नहीं है। हालात यहां तक हैं कि मेरठ आईजी को खुद ही कई पेट्रोल पंपों पर छापे डलवाने पड़े थे। यहाँ से भारी विविधताएं पाए जाने के बावजूद पंपों पर लगाई गई सील कुछ ही समय में खुल भी गई थी। यह पंप मालिकों के रसूख में पैसे के चलते हुए अब आपूर्ति विभाग ने किठोर के शाहजहांपुर में यह छापा मारा है। इस बारे में जिला आपूर्ति अधिकारी विनय कुमार ने यह कहा। सर, मेरठ में लगातार जिला आपूर्ति विभाग की टीम कार्रवाई कर रही है। कल एक जगह पर कार्रवाई की गई है। सर, कितना कौन लोग हैं और क्या कार्रवाई की? देखिए, मेरठ में लगातार पिछले 5 महीने से छापेमारी चल रही है, खासकर से अवैध डीजल पेट्रोल बेचने वालों के खिलाफ। और अभी तक जितने केसेस मिले हैं सभी के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की गई है। आने वाले समय में भी यदि इस प्रकार की कोई शिकायत प्राप्त होती है तो कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। सर, कोई मेरठ में माफिया पनपना चाहता है उसको लगातार जिला आपूर्ति विभाग की टीम तुरंत शिकंजा कर देती है। कल भी कार्रवाई की गई है, किस किस लोगों पर कार्रवाई? शाहजहांपुर में शिकायत प्राप्त हुई थी कि शाहजहांपुर एक छोटा सा वो है, शहरी क्षेत्र है, जहाँ पे अवैध रूप से डीजल की बिक्री की जा रही थी। तत्काल हमारी टीम पहुँच करके छापेमारी की और उसको कब्जे में लेकर के विधिक कार्रवाई की जा रही है। भविष्य में कहीं से भी कोई शिकायत प्राप्त होती है तो कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। किसी भी कोई माफिया या कोई भी कंपनी नहीं पाएगा। सर, शाहजहांपुर में कौन कौन लोगों पर कार्रवाई की गई, क्या क्या नाम है? शाहजहांपुर में कोई मुशीर करके हैं और साथ में उनका लड़का कोई फैजी है जिसका नाम प्रकाश में आया है और आगे की कार्रवाई की जाए। इस बारे में डीएम दीपक मीणा ने यह जानकारी दी। सर, जिला आपूर्ति विभाग ने कार्रवाई की है तेल माफियाओं पर। सर, मेरठ के अंदर लगातार इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं, क्या कार्रवाई आगे भी की जाएगी? नहीं, देखिए, एक सूचना प्राप्त हुई थी जिसमें हम लोगों को अराउंड 30 लीटर डीजल और कुछ पेट्रोल पाया गया जो एक इलीगल तरीके से रखा गया था प्रथम दृष्टया, तो उसमें हम लोगों ने कार्रवाई की है और लगातार पहले भी कार्रवाई हुई है। और जो भी लोग इसमें संगठित करके या संगठित ग्रोह बना के या कोई माफिया जो इसमें कार्रवाई कर रहे हैं तो उन पर कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। और कोशिश यही है कि कोई भी इस टाइप की हरकत करने से डरे तो, और जितने भी केसेस हमने पहले भी रजिस्टर किए उन लोगों को भी अभियोजन से बात करके एक लॉजिकल एंड तक हम ले जाने की कोशिश। Vardhman Academy, an English medium co-educational senior secondary school, classes from nursery to 12th, smart classrooms, Wi-Fi computer lab, advanced maths and science labs, well-stocked library, best environment for games, yoga and music. Vardhman Academy, Railway Road, Meerut.